किसान भाइयों, इस खेत में ईख बो दिया गया था और बारिश के कारण इसके अंदर ढीला घास ज़्यादा हो गया था, जो मुत्था घास बोलते हैं, और इसके अंदर ईख बो दिया गया, हल्का हल्का जमाव भी हो रहा है। बारिश इतनी हुई कि जमाव नहीं हो पा रहा है, घास ज़्यादा हो गया। हम नुलाई कराने से ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, इसलिए इस किसान ने क्या काम किया, हल्का हल्का इसमें लूटर निकाल रहे हैं। ये देखिए, ईख बोने के बाद इसमें लूटर निकाल दिया गया है। आप भी ऐसे कर सकते हैं, ईख बोने के बाद अगर घास ज़्यादा है तो हल्का हल्का ऊपर लूटर निकाल दीजिए, कंची पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कंची बाहर नहीं आएगी, कंची बिल्कुल ऊपर ऊपर है, खर्चा भी बहुत कम आएगा। पाड़ 200 रुपये बीघा के हिसाब से, 4 बीघे 800 रुपये में नलाई भी हो जाएगी, खुदाई भी हो जाएगी। अभी इसका जमाव बहुत अच्छा हो के आएगा, देखिए बहुत अच्छा हिसाब बनाया। देखो किसान भाई ने अलग अलग रोटावेटर निकाल दिया गया है। या फिर आप इस पर सेम्परा दवाई लगा सकते थे, रुक जाओ भाई किसान भाई, रुक जाओ भाई किसान भाई, रुक जाओ, रुको, क्या हाल है किसान, बंद करो ट्रैक्टर, किस्मत एक बहुत ज़्यादा रबड़ा तोड़ रहा है, ये तो जुगाड़ बढ़िया, नुलाई की नुलाई हो जाएगी और जमाव भी बढ़िया होगा और कम खर्चा हो जाएगा, खर्चे से जान बच जाएगी। ढीला घास होता है, मैं सैंपरा दवाई मारते 1400-1500 रुपये की नुलाई करवाते, वो बेहतरीन थी, लेकिन ये भी बेहतरीन है, कंचे का तो नुकसान नहीं हो रहा, ये भी कंची बांध नहीं आ रही, तो ये बेहतर है, नुलाई की नुलाई हो जाएगी, रबड़ा टूट जाएगा और काम बढ़िया हो जाएगा, 10 मीटर खेल, ठीक है साहब, नहीं है बढ़िया। कहो किसान भाइयों की जय हो, किसान भाइयों की जय हो, कम खर्चे में अपना काम चलाए।